चुप करोगे तो लगा मुझे। अरे बस अब गधे पे हाथी बैठेगा तो ऐसे ही लगेगा ना। हाँ, बेचारा गधा, उसका तो दम ही निकल गया होगा। चुप करो और पकड़ो। हाँ चल चल पकड़ दो उस गधे को। अरे गधो उस गधे को नहीं, मुझे पकड़ो। अच्छा लगा मुझे आवाज तुम निकाल रहे हो। रोहित तो मुझे तो लगता है वो लड़की छाया है ना। हाँ। वो भूत है। भूत? मैं भूत नहीं, छाया हूँ। भाग भाग के गला सूख गया, थोड़ा पानी पी लेता। मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए। क्यों तो क्या हुआ, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? छोटी लड़की छाया। मोंटू वो तुम्हें कैसे डरा सकती है? बालू जब हंसी मत, आपको कुछ पता नहीं है। मुझे तो लगता है वो छाया ना, मुझे तो लगता है वो जादू करनी है। हाँ बुरी वाली, हाँ वो जादू करती है। मोंटू तुम मेरे साथ मजाक मत करो, ठीक है? नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपकी कसम, माँ की कसम। हाँ आप मेरी बात सुनिए। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुम सिर्फ अपने नाटक पे ध्यान दो। मैं जाकर देखता कि तुम जो कह रहे हो वो सच है या नहीं, ठीक है? नटखट परी, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो नटखट परी, खुश रहो। क्या हुआ बालवीर, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? नटखट परी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी बच्चे के अंदर कोई बुरी शक्ति समाई हुई है। क्या? और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक बार सभी बच्चों की सुरक्षा जांच कर लें। ठीक है बालवीर। अब ये किरणें छाया पे पड़ेंगी और सब सच पता चल जाएगा। नहीं बात, यहाँ कोई बुरी शक्ति नहीं है, तुम यूं ही डर रहे थे। आप तो जानती है ना नटखट परी कि मैं बच्चों की सुरक्षा में
कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता, बस इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नटखट परी। मैं समझती हूँ बालवीर, और इसलिए तुम जितनी बार बुलाओगे बच्चों की रक्षा के लिए मैं उतनी बार वापस आऊंगी। अभी तुम अपना ध्यान रखो, मैं परीलोक वापस जाती हूँ। ठीक है, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो नटखट परी, खुश रहो। मोंटू, मोंटू तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, छाया को कोई जादू नहीं आता और ना ही वो कोई जादू करनी है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अब तुम अपने सिर्फ नाटक पे ध्यान दो, ठीक है? बड़ी आसानी से तुम छाया की माया में फंस गए बालवीर। सुरक्षा किरण छाया की माया का सच कभी पता नहीं लगा सकती थी, क्योंकि मेरी जादुई शक्ति तो मेरी छाया में है और उन पे तो नटखट परी की सुरक्षा किरण पड़ी ही नहीं। तुम्हारी कोशिश तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन कल कृष्ण लीला में मोंटू का रूप लेकर मैं तुम्हारा अंत जरूर करूँ। इस बार जन्माष्टमी पे कल्स की नहीं कृष्ण की लीला समाप्त होगी। मैं सुदामा बनाऊं, हाँ, और मैं बलराम, और मैं देवकी, हाँ, और मैं यशोदा। वाह वाह बच्चों, आप लोग तो सब छा गए हो कृष्ण लीला में। अरे बल्लू, तुम क्या बने हो? बेवकूफ। अब मेरे कहने का मतलब है कि मैं बेवकूफ हूँ, एक सीन ठीक से नहीं कर पाया और कृष्ण बनते बनते रह गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी बनते बनते रह गया था। क्या कृष्णा जी? नहीं नहीं, डॉक्टर। डॉक्टर? बापूजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं बन पाया। और मैं समझदार बनूं, बापूजी बस इतना ही चाहते, मैं नहीं बन पाया। राखी भैया, आपको समझदार बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो है ही समझदार। मैं समझदार हूँ? हाँ, इसलिए तो आपने कृष्ण जी का पालना बनाया भी और उसे पेंट भी किया। अरे हाँ, मैं क्या पेंट किया ये तो मैं ही जानता हूँ। और इस बार के जन्माष्टमी बहुत स्पेशल होगी। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि इस बार कृष्ण लीला में बालवीर कृष्णा बना है। इसलिए हुई ना जन्माष्टमी स्पेशल। अरे वाह, अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बेटा, तुम लोग को मालूम है तुम जन्माष्टमी में जो कृष्ण लीला कर रहे हो ना, वो सिर्फ कृष्ण की कहानी नहीं है। तो फिर और किस किस की कहानी है दादाजी? हाँ, अरे दुनिया की भलाई के लिए एक माँ होते हुए भी खुद से अपने आप के बच्चे को दूर करने वाली देवकी की कहानी, और अपना बच्चा न होते हुए भी अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करने वाली, और संसार को माँ की ममता का मतलब समझाने वाली यशोदा माँ की भी कहानी है। बिल्कुल आपकी तरह, मतलब आप भी तो मेरे लिए यशोदा मैया है। और इस सबके साथ कृष्णा और सुदामा की दोस्ती की कहानी भी है। हाँ, जैसे बालवीर हमारा दोस्त है। अरे हाँ बच्चों, ये कृष्ण लीला देखने के लिए हम लोग स्कूल आ सकते हैं ना? अरे आ सकते हैं क्या, आप सबको आना ही होगा हमारी कृष्ण लीला देखने। हाँ। अरे वाह वाह वाह, तब की तब देखी जाएगी बेटा, लेकिन अब कुछ झलक दिखाओ ना। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। कोई कृष्ण कहता है तो कोई कान्हा कहता है, कोई यशोदा मैया का दुल्हारा कहता है। सज्जनों, सबसे पहले तो आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयां, और आप सब
अपना कीमती समय निकाल के यहाँ इन बच्चों की मेहनत को देखने आए, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। बस अब थोड़ी ही देर में कृष्ण लीला शुरू होने वाली है, तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन बच्चों का स्वागत कीजिए और इनको प्रोत्साहित कीजिए। ओ सर, माइक तो लेके जाइए। एक्साइटमेंट में भूल गया था। वासुदेव, देवकी, ये तुम्हारी आठवीं संतान है, जो आगे चलकर कृष्ण कहलाए और कंस का वध करे। ये नन्ना सा बालक कैसे कहेगा राजा कंस का वध? बल्कि मुझे तो डर है इस बात का कि हमारे बाकी सात पुत्रों की तरह कोई कंस हमारे इस आठवें पुत्र का भी वध ना करते। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं, कंस की ताकत के आगे हम सब विवश हैं। इससे पहले कंस ही आ जाए, अब इसे यहाँ से दूर नंदगांव ले जाइए। लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे? कारावास का दरवाजा तो बंद है। कृष्ण का जन्म जो कंस से बच गया, लेकिन ये सब तो इतिहास की कथाएं हैं जिन्हें कोई बदल नहीं सकता। लेकिन इस जन्माष्टमी हम नया इतिहास रचेंगे और इसके लिए कृष्ण बना बालवीर तुम्हारे हाथों बचना नहीं चाहिए। तुम जाओ, चाहे परी जाओ और कंस बनकर उस बालवीर का अंत कर दो। छाया छाया छाया, इस बार जीतेगी ये छाया की माया। अब चिंता न करें माँ भस्मपति, इस जन्माष्टमी जहाँ एक ओर सच्चाई के रक्षक कृष्ण का जन्म होगा, वही दूसरी ओर सच्चाई के रक्षक बालवीर का अंत होगा। अपने पुत्र कृष्ण की जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रहा हूँ। अब मेरा पुत्र यशोदा नंदन कहलाएगा, नंदलाल कहलाएगा। क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी पुत्री ले जा रहा हूँ, कि मुझे आशा है कि कन्या को देखकर कंस का हृदय बिगड़ जाएगा, वैसे कुछ भी नहीं करेगा।
इतना अच्छा परफॉर्म किया ना। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ सामने देख रहा हूँ, आनंद आ गया। हमारा तो दिल जीत लिया इन बच्चों ने, हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये बच्चे इतना अच्छा अभिनय कर सकते हैं। हाँ, अच्छा और सच्चा भी। हाँ बालपरी, इन बच्चों की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। अब शुरू करेगी छाया अपनी बाया। बस जैसे ही बॉल्टू कुछ पलों के लिए सबसे दूर होगा, कैसे ही मैं बॉल्टू की छाया ग्रहण करके उसका रूप लूंगी और फिर कल पल कर बालवीर का अंत करूंगी। क्यों लिया है? देखी, ये नंदा रिश्ता की कन्या है और मुझे ऐसा लगता है कि कंस इतना भी अत्याचारी नहीं कि वह छोटी सी कन्या को चोट पहुंचाए, इसीलिए मैं इसे लाया हूं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। व्हाट वाज देवकी वसुदेव, मुझे पता चल गया है, तुम्हारी आठवीं संतान का जन्म हुआ है। लाओ इसे मुझे दे दो। प्रातःकंज, पर ये तो एक कन्या है और एक कन्या तुम्हारा क्या हित करेगी? यह भी नन्ही सी जान है, लेकिन पता नहीं कल ये कौन सा मायावी रूप ले ले और मेरे प्राण संकट में डाल दे। मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। लाओ इसे मुझे दे दो। इसे बख्श दो कंज, इसे बख्श दो। इसे बख्श दो, इसे बख्श दो, इसे बख्श दो, नहीं नहीं, इसे बख्श दो कंस, नहीं कंस। तुम्हारे चाहने से विधि का विधान नहीं बदलता है कंस। देवकी की आठवीं संतान जो तुम्हारा अंत करेगी वो जन्म ले चुकी है और यहाँ से दूर सुरक्षित है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा, वही संतान तुम्हारा और तुम्हारी बुराई का अंत करेगा। वो नन्ही सी जान बड़ी होकर मुझ तक पहुँचे, इससे पहले मैं उसे ढूंढकर खत्म कर दूंगा। सुना आपने? हुई थी कैसे वो आकाशवाणी जो बता रही थी कब और कैसे होगा कंस का अंत? पता नहीं कब होगी ऐसी कोई आकाशवाणी जो बताएगी कब और कैसे बनूंगा मैं प्रधान। समाधान? मेरी समस्या का समाधान आपके दुश्मनों का अंत। हेरा था ये हो। इस जन्माष्टमी ऐसा ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही देर अपना काम छाया परी जरूर पूरा करेगी। परी